गुड मॉर्निंग बच्चों, आज का हमारा ये वीडियो सेशन प्रीपोजिशन पर आधारित है। प्रीपोजिशन में हम लोग आज नो प्रीपोजिशन देखेंगे। नो प्रीपोजिशन का आज का ये दूसरा सेशन होगा। पिछले सेशन में हम लोगों ने कुछ वर्ब्स को देखा था, जिसमें कि हमने आपको बताया था कि कुछ इस तरह के वर्ब हैं जो कि अपने साथ किसी तरह का प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। हालांकि हिंदी से ऐसा प्रतीत होगा कि यहाँ पर मैं के लिए इन होना चाहिए, लिए के लिए फोर होना चाहिए, लेकिन वो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं जिनके साथ हम किसी तरह का प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। देखिए, अगर आपको अगर ये वीडियो अगर भली भांति समझना है तो आपको ये पिछला वीडियो, इसी सीरीज का पिछला वीडियो आपको देखना जरूरी है। अगर आप उस वीडियो को ना देख करके अगर आप सीधे इसी वीडियो को देखते हैं तो हो सकता है कि कुछ बातें आपको समझ में नहीं आए। पिछले वीडियोज की जो बातें मैंने जहां पर छोड़ा था वहीं से लेकर के हम लोग डायरेक्ट अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि कुछ इस प्रकार के वर्ब हैं जिसके साथ हम प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में मैं आपको बताया था अटैक, अटैक शब्द के साथ हम किसी तरह का प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। बैन, रुक लगाना, प्रतिबंध लगाना, इसके साथ हम किसी तरह का प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। इसी प्रकार से लाइक एक शब्द है, लाइक एक वर्ब है जिसके साथ हम प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। और भी आपको एक लंबा सा चार्ट दिया गया था पिछले वीडियोस में। चलिए अब हम बात को हम यहां से आगे लेके बढ़ते हैं। आज मेरा मैटर ये है कहने का कि अगर ये जो वर्ब आपको जो दिखाई दे रहे हैं, अटैक, हमला करना, अगर अटैक का अगर हिंदी अगर हम लिखे तो इसका हिंदी हो जाएगा हमला करना। अगर हम लिखते हैं बैन का मतलब होता है रोक लगाना, प्रतिबंध लगाना, और ये लैक का अर्थ होता है अभाव रखना अथवा अभाव होना। ठीक है ना, अभाव रखना अथवा अभाव होना। कहने का मतलब है कि इसमें ये सब जो शब्द लगा हुआ है, ठीक है, जो करना आप देख रहे हैं, जो यहाँ लगाना देख रहे हैं, और जो रखना या होना देख रहे हैं, ये वर्ड को क्या बना रहे हैं, ये वर्ड को वर्ब बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर यहां से इनको करना हटा दिया जाए, लगाना हटा दिया जाए, और रखना या होना जैसा क्रिया हटा दिया जाए, तो ये वर्ड क्या निकल कर आएंगे? केवल हमला क्या होगा? केवल हमला एक नाउन होगा। केवल रोक या प्रतिबंध क्या होगा? एक नाउन होगा। और इसी तरह से अभाव क्या होगा? एक नाउन होगा। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर यही जो वर्ब जो आपको दिखाई दे रहा है, यदि हम इसे नाउन के रूप में कन्वर्ट कर दें, ठीक है ना, इसको हम नाउन बना दें, तब नाउन के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। मतलब कि वर्ब के रूप में है तब अटैक के साथ नो प्रीपोजिशन, बैन के साथ नो प्रीपोजिशन, लैक के साथ नो प्रीपोजिशन। लेकिन जब हम इन्हीं को नाउन बना देते हैं तब नाउन के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। जैसे अटैक को हमने नाउन बना दिया, अब अटैक जो होगा अब अपने साथ प्रीपोजिशन ऑन लेगा। ठीक है, बैन को मैंने नाउन बना दिया, अब बैन जो होगा अपने साथ ऑन लेगा। ठीक है, अब मैं लैक को अगर मैं नाउन की तरह अगर इस्तेमाल करूंगा तो लैक अपने साथ ऑफ लेगा। कहने का तात्पर्य है क्या कि ये जो वर्ब आपको जो दिखाई दे रहा है, ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन का भी काम करते हैं। ठीक है, और जब ये नाउन का काम करते हैं तब इनके साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। तब हमें ये बहुत ध्यान पूर्वक देखना होगा। जैसे कि मैंने आपको तो बता दिया कि अटैक अपने साथ नो प्रीपोजिशन लेता है, बैन अपने साथ नो प्रीपोजिशन लेता है, और आपको इस सेट बनाने गए, आप इंग्लिश में कुछ सॉल्व करने गए, आपको उसमें मिल गया कि लैक के साथ ऑफ है, बैन के साथ ऑन है, तब तो आपको कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। आपने चूंकि यहां पढ़ाई किया है कि बैन अपने साथ नो प्रीपोजिशन, आप वहां देख रहे हैं कि बैन के साथ प्रीपोजिशन लगा हुआ है, तो ये समझा जाना चाहिए कि वहां जो आप देख रहे हैं वो वर्ब नहीं है, वहां जो आप देख रहे हैं ना वो नाउन है। आपको ये समझना होगा। ठीक है, चलिए एक सेंटेंस के माध्यम से इनको समझा जा सकता है, अटैक वर्ब और अटैक नाउन। ठीक है, आप इन सेंटेंस को देखें। चलिए ये वाक्य क्या कह रहा है, रशिया हैज अटैक्ड ऑन यूक्रेन। इसका हिंदी क्या निकलेगा कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। यानी कि यहां पर जो अटैक है ना, इसका इस्तेमाल हमने वर्ब के रूप में किया है। तो अभी क्या आपको बताया जा रहा है कि जब ये अटैक जब वर्ब हो जाए तब अटैक के साथ नो प्रीपोजिशन, यानी कि हमारा ये जो भाग होगा, हमारा ये भाग रॉन्ग होगा, यानी कि अटैक के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन एक दूसरे वाक्य को हम देखते हैं जिसमें अटैक का प्रयोग नाउन के रूप में होगा, और जब ये नाउन के रूप में जब प्रयोग किया जाएगा तब अपने साथ ये प्रीपोजिशन ऑन लेगा। जैसे आप इस वाक्य को देखें, Thank you.
देखिए अभी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को अगर आप समझते हैं तो अभी की स्थिति यही बनी हुई है कि अगर ताइवान पर अगर हमला हो जाता है, ताइवान पर अगर हमला हो जाता है चाइना द्वारा, तो ये एक दूसरा फिर एक वर्ल्ड वार को शुरू कर देगा। देखिए यहां पर अटैक का प्रयोग किस रूप में, हमला करना नहीं बोला हूं, यहां पर अटैक का हिंदी निकलेगा हमला करना नहीं, करना तो इसमें है, ठीक है। अब यहां पर अटैक का प्रयोग हमने नाउन के रूप में किया है, और जब नाउन के रूप में किया है तब यहां पर ऑन का यूज सही है। देखिए यहां पर ऑन का यूज सही है, यहां पर ऑन का यूज गलत है। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि ये जो वर्ब्स हैं यदि नाउन के रूप में प्रयोग किए जाएंगे तब इनके साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। एक एग्जांपल के द्वारा हम लैक को भी समझते हैं। चलिए अब यहां पर थोड़ा सा इस वाक्य को देखा जाए, क्या कह रहा है, ही लैक्स कॉमन सेंस, ठीक है ना, कोई व्यक्ति है जिसको बुद्धि का अभाव है। देखिए यहां पर लैक का इस्तेमाल वर्ब के रूप में हुआ है, देखिए ही के अनुसार सिंपल प्रेजेंट टेंस में एसआईएस का प्रयोग हुआ है। यहां पर हिंदी क्या होगा, अभाव रखना, यानी कि वो बुद्धि का अभाव रखता है। चलिए अगर इसी को अगर हम नाउन के रूप में बनाते हैं तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ही हैज अ लैक ऑफ कॉमन सेंस। देखिए यहां पर जो लैक का जो प्रयोग हुआ है, यहां पर लैक का प्रयोग नाउन के रूप में हुआ है, यहां पर लैक का प्रयोग वर्ब के रूप में हुआ है। तो मेरे कहने का तात्पर्य क्या है कि जब ये वर्ब है तब अपने साथ नो प्रीपोजिशन, और जब यही जो वर्ब जब नाउन के रूप में काम करेंगे तब इनके साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। तो बच्चों हमने क्या देखा कि ये वर्ब जो है वो नाउन का भी काम करते हैं। अब मैं आपको अब दूसरे तरीके से बताना चाहता हूं, कुछ वर्ब का हम नाउन के रूप में बदलाव लाते हैं, ठीक है ना, कुछ वर्ब को नाउन के रूप में बदलते हैं, मतलब कहने का मतलब उसमें कुछ जोड़ करके नाउन बनाते हैं या कुछ माइनस करके नाउन बनाते हैं, ठीक है। तो अगर कोई वर्ब यदि नाउन में कन्वर्ट किया जाए, यदि उस वर्ब को अब नाउन के रूप दिया जाए तो फिर उसके साथ ही प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। अभी तो हम लोगों ने क्या देखा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये वर्ड वर्ब भी है ये वर्ड नाउन भी है। अब हम दूसरे तरह से बात करते हैं, कि कुछ वर्ब है जिनको नाउन में हमें बदलना होगा। जैसे कि अगर उदाहरण के तौर पर अगर हम लेते हैं तो एक वर्ड है रिसेम्बल, पहले आप इसे समझिए, रिसेम्बल एक वर्ब है, तो जब वर्ब है तो नो प्रीपोजिशन, ये पिछले वीडियो में ऐसा बताया गया था, ठीक है। चलिए अब जब हम इसको नाउन का रूप जब हम देते हैं रिसेम्बलेंस, तब अपने साथ ही प्रीपोजिशन का प्रयोग करेगा। इसी तरह से इंटर एक वर्ब है, इसका जो नाउन हो जाएगा वो हो जाएगा एंट्री, देखिए मैंने रूप चेंज कर दिया। चलिए डिस्कस हमारा क्या है, डिस्कस एक वर्ब है, इसका जो नाउन क्या हो जाएगा, इसका नाउन हो जाएगा डिस्कशन। कहने का मतलब है कि इस वर्ब को अब मैंने नाउन का रूप दिया, तो जब ये नाउन के रूप में जब ये जब आ गए तब इनके साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, रिसेम्बलेंस टू लेगा, इंट्री के साथ हम इंटू का प्रयोग करेंगे और डिस्कशन के साथ हम ऑन का प्रयोग करेंगे। हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि ये वर्ब को जब नाउन के रूप में जब कन्वर्ट किया गया तब अपने साथ इन्होंने प्रीपोजिशन ले लिया, ठीक है। सेंटेंस इसे बेहतर समझ सकते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं, चलिए आप इस वाक्य को देखिए, वाक्य क्या कह रहा है, She bears no resemblance to her mother. इसका हिंदी क्या निकलेगा, कि वो अपने माँ से मिलती जुलती नहीं है, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम इंटर और डिस्कस के साथ भी मतलब इंटर का इंट्री के रूप में, डिस्कस का डिस्कशन के रूप में अगर सेंटेंस बनाते हैं तो फिर इनके साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। देखिए दो इंपॉर्टेंट मैं बात बताऊंगा, अभी तो मैंने क्या कहा कि ये इंटर और ये डिस्कस जब वर्ब के रूप में जब प्रयोग किए जा रहे हैं तब इनके साथ क्या मैटर है, नो प्रीपोजिशन, इनके साथ क्या मैटर है, नो प्रीपोजिशन। लेकिन अब हम बताएंगे कि ये इंटर और डिस्कस वर्ब रहते हुए कब प्रीपोजिशन लेंगे,
अभी तो ठीक है, अभी तो मैंने बताया कि इंटर प्रवेश करना तो नो प्रीपोजिशन, डिस्कस बहस करना नो प्रीपोजिशन, लेकिन अब हम ये बताना चाहते हैं कि कब ये प्रीपोजिशन ये लेंगे, किस अवस्था में प्रीपोजिशन लेंगे। चलिए इंटर और डिस्कस को शुरू किया जाए। एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से ये दोनों बहुत ही जबरदस्त अभाव है। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखिएगा, सीजीएल का देख ले, पीओ का देख ले, आप बैंक क्लर्क का देख ले, सीएचएसएल का देख ले, आप जिस एग्जाम का देखना है आप देख ले, ये दो बहुत ही बारंबार पूछे गए हैं, ठीक है ना। थोड़ा इनको थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है। आइए इंटर देखिए, इंटर का मतलब क्या होता है। इंटर जब वर्ब है तब इसका हिंदी है प्रवेश करना। अब मैं नाउन के रूप में बात नहीं करूंगा, नाउन के रूप में तो लगेंगे ही। अब यहां पर हमें ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान कब देना है कि इंटर वर्ब के रूप में कब प्रीपोजिशन लेगा। हालांकि लेता तो नहीं है, जब प्रवेश करना, ठीक है ना, जब आप किसी जगह में प्रवेश करते हैं, जब आप किसी प्लेस में प्रवेश करते हैं, तब इंटर के साथ क्या मैटर है, नो प्रीपोजिशन। अभी तक हम लोगों ने यही देखा है, तब इंटर के साथ नो प्रीपोजिशन। जैसे आप इस वाक्य को देखें, चलिए आप इस वाक्य को देखें, क्या वाक्य कह रहा है, क्या द आर्यंस इंटर्ड इनटू इंडिया इन अराउंड 1750 बीसी। इसका हिंदी क्या निकलेगा कि जो आर्यंस थे वो लगभग 1750 बीसी में भारत में प्रवेश किए थे। देखिए अब जो इंडिया एक प्लेस को दिखला रहा है ना, प्लेस की वजह से इंटर अपने साथ कोई तरह का प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेगा, यानी कि इंटर के बाद इनटू का यूज हमारा गलत होगा, हमें इसी तरह से एरर चुनने होते हैं। चलिए लेकिन एक फ्रेज है, एक फ्रेज क्या कहता है, इंटर इनटू एग्रीमेंट या निगोसिएशन, ये फ्रेज है। थोड़ा सा इस फ्रेज को देखा जाए, इंटर इनटू एग्रीमेंट अथवा निगोसिएशन। एग्रीमेंट और निगोसिएशन का हिंदी क्या होता है, पहले इसका हिंदी देख लेते हैं, समझौता या करार, ठीक है ना। इसका हिंदी जो होता है वो होता है समझौता या करार। चलिए मतलब कि इंटर इनटू एग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ, समझौता करना है ना, इसमें वो इंटर जो ना वर्ब जोड़ेगा, तो इंटर इनटू एग्रीमेंट अथवा इंटर इनटू निगोशिएशन का हिंदी क्या हो जाएगा, समझौता अथवा करार करना, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि जब एग्रीमेंट अथवा निगोशिएशन हो तब इसके साथ इंटू का यूज होगा और ये सही है, जबकि हम किसी प्लेस में इंटर करते हैं तब इंटर के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन इंटर इनटू एग्रीमेंट अथवा इंटर इनटू निगोशिएशन नाम का कोई फ्रेज होता है। चलिए हम थोड़ा सा डिस्कस को भी देख ले कि वर्ब रहते हुए, नाउन के रूप में तो डिस्कशन ऑन लेगा ही, वर्ब रहते हुए हम डिस्कस के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग कब करेंगे। देखा जाए डिस्कस को थोड़ा सा देखा जाए, देखिए डिस्कस का मतलब बातचीत करना, बहस करना, आप उसको जो समझ लीजिए, ठीक है ना। चलिए देखिए, अगर हम किसी मैटर पर डिस्कस करते हैं, कोई टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, कोई क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं, तब डिस्कस के साथ नो प्रीपोजिशन। यानी कि अगर हम कोई मैटर ले लेते हैं, कोई टॉपिक ले लेते हैं एटसेट्रा, बाकी के लिए हम एटसेट्रा का यूज कर रहे हैं, तब इसके साथ नो प्रीपोजिशन, ठीक है ना। तब इसके साथ हम किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने प्रश्न पर बातचीत किया, कोई क्वेश्चन था, कैसे लिखेंगे, वी डिस्कस्ड द क्वेश्चन, हम लोगों ने क्वेश्चन पर बातचीत किया। चलिए लेकिन जब डिस्कस आप किसी व्यक्ति के साथ करते हैं, कहिएगा सर यहां भी तो हमने किसी व्यक्ति के साथ ही ना डिस्कस किया है। आपने जरूर व्यक्ति के साथ डिस्कस किया, लेकिन व्यक्ति तो यहां मौजूद नहीं है, यहां तो थिंग्स मौजूद है, व्यक्ति होना चाहिए। अगर डिस्कस के बाद यदि कोई पर्सन अगर आ जाए, ठीक है ना, अगर डिस्कस के साथ कोई अगर पर्सन का प्रयोग हो जाए तो फिर हम डिस्कस के साथ हम विद का प्रयोग करते हैं। इसे समझा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये मैटर है। देखिए आपने क्वेश्चन पर डिस्कस किया, क्वेश्चन कोई पर्सन नहीं था, डिस्कस के साथ नो प्रीपोजिशन। लेकिन जब आप किसी पर्सन के साथ डिस्कस करते हैं तब डिस्कस के साथ प्रीपोजिशन विद। जैसे कि इस एग्जाम्पल को देखा जाए,
हम लोगों ने दोस्तों के साथ डिस्कस किया, हमको ऐसे कहना है, वी डिस्कस्ड विथ आवर फ्रेंड्स। चलिए तो बच्चों ये बात रहा कि कुछ नाउन ऐसे, कुछ वर्ब ऐसे हैं जो नाउन के रूप में अगर इस्तेमाल होते हैं उनके साथ प्रीपोजिशन लगेगा, कुछ वर्ब ऐसे हैं यदि उनको नाउन का रूप दे दिया जाए यानी कि यदि उनका परिवर्तन नाउन के रूप में कर दिया जाए तो उसके साथ प्रीपोजिशन लगेगा, और ये दो इंटर और डिस्कस ये दो ऐसे वर्ब हैं कि एक खास स्थिति में अपने साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। चलिए हम लोग यहां से मैटर को आगे लेके चलते हैं। देखिए इस बार जो हम लोग जिस रूल के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट है उतना सरल भी है, उसे बेहद आसानी से समझा जा सकता है। रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि यदि कोई टाइम एक्सप्रेशन हो, मतलब कि वो शब्द जो समय को दिखलाए, टाइम एक्सप्रेशन का मतलब हम क्या समझेंगे, समय सूचक शब्द, ठीक है ना। टाइम एक्सप्रेशन का मतलब हम समझेंगे समय सूचक शब्द। देखिए यदि कोई टाइम एक्सप्रेशन हो और वो कनेक्ट हो, टाइम एक्सप्रेशन किसके साथ कनेक्ट होगा, तो कुछ वर्ड हैं जैसे कि नेक्स्ट, लास्ट, ईच, एवरी, दैट, ऑल, एनी, सम, जैसे अगर कुछ ये वर्ड के साथ यदि कनेक्ट होते हैं तब हम इनके साथ किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप ऐसा समझिए, नो प्रीपोजिशन, हम इनके साथ किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। यदि कोई समय सूचक शब्द यदि इनके साथ जोड़ा जाए, नेक्स्ट, लास्ट, ईच, एवरी, दैट, ऑल, एनी और सम जैसे शब्दों के साथ जोड़ दिया जाए तब कोई प्रीपोजिशन का इनके पहले प्रयोग नहीं होता है। जैसे देखिए एक प्रीपोजिशन का बेसिक रूल क्या है कि कोई डे दिया हो, दिन, आप ऐसे समझे, या कोई डेट दिया हो, तारीख या तिथि, ठीक है, तो कोई डेट या डे के पहले हम प्रीपोजिशन किसका प्रयोग करते हैं, ऑन का। कोई डे दिया हो अथवा डेट दिया हो इसके साथ प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग होता है। जैसे कि अगर हमको कहना है कि वो रविवार को पटना गया, हमको ऐसा वाक्य बनाना है, हम इसको किस तरह से लिखेंगे, ही वेंट टू पटना, चलिए संडे, कोई व्यक्ति है वो रविवार को पटना गया, हमको ऐसा लिखना है। चलिए इसको थोड़ा देखा जाए, अब संडे तो कोई दिन है, दिन के पहले क्या लगता है, आप देख सकते हैं यहां पर प्रयोग होना चाहिए ऑन संडे, ठीक है ना। संडे एक टाइम एक्सप्रेशन है, टाइम एक्सप्रेशन के साथ यदि वो डे निकल जाए, डेट निकल जाए, तो उसके साथ हम ऑन का प्रयोग करते हैं, जैसे कि ही वेंट टू पटना ऑन संडे। लेकिन इसी टाइम एक्सप्रेशन में यदि हम इस तरह का शब्द जोड़ देते हैं तब इसके साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, सॉरी नहीं होगा। जैसे आप एक वाक्य देखिए, अगर हमको कहना है कि वो पिछले रविवार को पटना गया था, कोई व्यक्ति है वो पिछले रविवार को पटना गया था, हमको ऐसे कहना है, कैसे लिखेंगे, ही वेंट टू पटना, ठीक है ना, और यहां पर दे दिया जाए लास्ट संडे, वो पिछले रविवार को पटना गया था। चलिए अब देखिए ये टाइम एक्सप्रेशन के साथ ना शब्द लास्ट जुड़ गया, तो जब टाइम एक्सप्रेशन के साथ जब इस तरह के वर्ड्स जोड़ दिए जाएं, आप ऐसे समझिए सरल भाषा में, तब इनके साथ हम किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। अब यहां पर किसी तरह का प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा, हम लिखना है सीधा सीधी लिख देंगे, ही वेंट टू पटना लास्ट संडे। या हमको कहना है कि वो प्रत्येक रविवार को पटना जाता है, कोई व्यक्ति ऐसा है, हम इसको किस तरह से लिखेंगे, ही गोस टू पटना एवरी संडे। चलिए अब देखिए ये टाइम एक्सप्रेशन के साथ क्या शब्द लग गया, टाइम एक्सप्रेशन के साथ एवरी लग गया। जब टाइम एक्सप्रेशन के साथ एवरी लग जाए इसके साथ हम किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे, तो जो बात लास्ट पर लागू होता है, जो बात एवरी पर लागू होता है, वही बात बाकी सभी पर लागू होगा। चलिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, कॉमन एरर इससे आपको देखने को मिलेंगे।
चलिए हम लोग नेक्स्ट रूल की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल क्या कहता है कि होम, होम का मतलब घर आप समझते हैं, ठीक है ना, होम का मतलब घर होता है। यदि घर के पहले आने जाने के जितने भी वर्ब होंगे यदि वो मौजूद होते हैं तब इसके साथ हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग आमतौर पर जो होता है वो नहीं करते हैं। थोड़ा ध्यान दिया जाए, यदि घर के पहले यदि आने जाने के, जैसे कि कम का मतलब आना, ठीक है, वो का मतलब जाना, रीच मतलब पहुंचना, सेंड मतलब भेजना, रिटर्न का मतलब वापस होना। थोड़ा ध्यान दिया जाए, जो इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। यदि होम शब्द के पहले यदि कम हो, गो हो, रीच हो, सेंड हो, रिटर्न हो, आमतौर पर यही रहता है, इसके साथ हम किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि अगर हमको कहना है कि वो घर वापस लौट गई, कोई लड़की थी घर वापस लौट गई, हम कैसे इसको लिखेंगे, सी रिटर्न्ड टू होम। देखिए ये जो वाक्य होगा ना ये गलत होगा, ये वाक्य क्या बताया जा रहा है, यदि होम शब्द के पहले यदि इस तरह के वर्ब्स मौजूद हो तो इसके साथ हम किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। सॉरी यहाँ पर रिटर्न तो होगा, हाँ ये तो ठीक है ना, रिटर्न तो होगा, इसके साथ जो लगा हुआ जो टू है ना ये नहीं होगा। आप ऐसे समझे, रिटर्न के साथ हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे यदि यदि शब्द यदि होम हो तो, ठीक है ना, ये बात केवल होम पर लागू होता है और बाकी किसी पर नहीं, ठीक है। अगर हमको कहना है कि जैसे कि वो घर चला गया, हमको ऐसे कहना है, ठीक है, इसको आसानी से कहा जा सकता है ही वेंट टू होम, बस ये कहना काफी है, ही वेंट टू होम ये कहना काफी है, अब यहाँ पर टू लगाने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे सीधे लिखेंगे ही वेंट होम कि वो घर चला गया। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स होने जा रहे हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए कुछ और रूल्स को हम लोग देखते हैं जिसके साथ हम किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। ये इस जो इस बार जो रूल आने वाला है ना वो थोड़ा आपके कंसंट्रेशन को डिमांड करेगा, थोड़ा उसे समझा जाए। देखिए यदि कोई सब्जेक्ट हो, ठीक है ना, उसके बाद बी हो, बी का मतलब क्या होता है, एम इज आर वास्वर, बी के ना रूप होते हैं, क्या होते हैं, बी का जो रूप होता है, बी का मतलब बी नहीं समझा जाएगा, बी का मतलब समझा जाएगा एम इज आर वास्वर, बी का मतलब आप ये समझेंगे, ठीक है ना। यदि कोई सब्जेक्ट हो उसके बाद बी हो और उसके बाद ऐसा एक्सप्रेशन हो, ठीक है ना, एक्सप्रेशन किस तरह का एक्सप्रेशन हो जिसमें कि हाइट हो, वेट हो, साइज हो, शेप हो, एज हो, कलर हो, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान दिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट बात। यदि कोई सब्जेक्ट हो यदि उसके बाद बी हो और उसके बाद ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए जिसमें कि एक शब्द हाइट हो, वेट हो, साइज हो, शेप हो, एज हो और कलर हो, हिंदी क्लियर है, हाइट लंबाई, वेट भार, साइज आकार, शेप आकार, ठीक है, एज उम्र और कलर मतलब रंग, ठीक है, हम इसके साथ किसी प्रीपोजिशन, देखिए यहाँ इस बी और इस एक्सप्रेशन के बीच में, थोड़ा यहाँ ध्यान दिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर हम किसी तरह का प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। एनपी का मतलब आप नो प्रीपोजिशन समझिएगा, ठीक है ना, एनपी का मतलब आप नो प्रीपोजिशन से लें। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि यदि कोई सब्जेक्ट है यदि इन सारे शब्दों से जुड़ा हुआ हो बी के माध्यम से तो हम किसी प्रकार का, कहने का मतलब है कि प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। अब थोड़ा हिंदी देखते हैं, कोई पूछ रहा है, कोई व्यक्ति पूछ रहा है कि तुम्हारे आंख का रंग क्या है, बाल का रंग क्या है, ऐसा आप वर्ड जोड़ सकते हैं, आंख की जगह पर बाल आप लगा सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए अब हम ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना तो हम कैसे इसको लिखेंगे, व्हाट कलर, ठीक है ना, चलिए बी हमको तो देना है इज, व्हाट कलर इज, चलिए तुम्हारे आंख का रंग क्या है, योर आईज, थोड़ा ध्यान दिया जाए। देखिए अब का अंग्रेजी, ऐसा हमारा दिमाग कह रहा है कि का अंग्रेजी होना चाहिए, ऑफ व्हाट कलर नॉर्मली हम लोग ऐसे देते हैं, ठीक है ना, ऑफ व्हाट कलर, लेकिन ऑफ व्हाट कलर जैसा कोई शब्द नहीं होगा, थोड़ा सा इस चीज को समझा जाए, क्योंकि आपका सब्जेक्ट योर आईज है, ठीक है ना, ये इंट्रोगेटिव हो गया तो आपका ये व्हाट कलर बाहर निकल गया, ये बी से जुड़ा हुआ, बी का मतलब आप एम इज आर समझ ले, तो ये व्हाट कलर के साथ ना, देखिए ये एक्सप्रेशन है जिसके साथ क्या जोड़ा गया है, हाइट, वेट, साइज, शेप, एज और कलर,
ठीक है, तो उसके साथ हम प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी कि अब व्हाट कलर नहीं होगा, सीधे होना चाहिए व्हाट कलर इज योर आईज, हमारा वाक्य ऐसे होना चाहिए। या इस तरह से वाक्य देखिए, एक दूसरा वाक्य देखते हैं, चलिए आप इस वाक्य को देखिए क्या कह रहा है, ही इज द राइट हाइट, ही इज द राइट हाइट टू बी ए पुलिसमैन, यानी कि एक पुलिसमैन बनने के लिए उसके पास जो राइट हाइट है, मतलब सही ऊंचाई है, सही लंबाई है। चलिए देखिए ये सब्जेक्ट है, आप इसको समझे, ये सब्जेक्ट है, ये यहाँ इज है, ये बी का रूप है, और इसके बाद देखिए एक्सप्रेशन में ना हाइट आ गया, अब इसके साथ ना हम किसी तरह का प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं कहेंगे ही इज ऑफ द राइट हाइट, अगर हम ऐसा कहते हैं तो हम गलत हैं, ही इज ऑफ द, ऐसा मन कर रहा है, मन के अनुसार चले तो नीचे वाला हमारा वाक्य ज्यादा सही लग रहा है, लेकिन ग्रामेटिकली ये वाक्य जो है वो रॉन्ग वाक्य है। तो जो बातें हाइट को मैंने लेके बनाया, जो बातें मैंने कलर को लेकर बनाया, वैसी बातें आप बाकी वर्ड को लेकर बना सकते हैं। तो बच्चों ये नो प्रीपोजिशन का ना बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपका समझिए कि सेशन चल रहा है, आप पिछला वीडियो और इस वीडियो को अटैच करके देखेंगे तो आपको बात 100% समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप रैंडमली केवल आप इसी से वीडियो को देखें और पिछला वीडियो को आपने नहीं देखा है तो हो सकता है कि बहुत सारी बातें आपको समझ में नहीं आए, ठीक है। लास्ट बात हम करना चाहेंगे, चलिए लास्ट बात क्या कहता है कि देखिए कुछ एक्सप्रेशंस होंगे, जैसे कि चलिए इस तरह के एक्सप्रेशंस देख लेते हैं, कह रहा है क्या दिन में 3 बार, ठीक है ना, एक लीटर में 60 किलोमीटर, इस तरह के एक्सप्रेशन में जो मे का जो इंग्लिश होगा ना वो नहीं दिया जाएगा, मतलब इस तरह के एक्सप्रेशन में ना हम हिंदी में तो होगा दिन में 3, वो दिन में 3 बार दवा लेता है, हमको ऐसे कहना है, ठीक है ना। चलिए वो दिन में 3 बार दवा लेता है, ठीक, ओके। अब इस तरह के एक्सप्रेशन में ना हम प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे, हमें अगर लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, थ्री टाइम्स, यहाँ पर इन नहीं होना चाहिए, आपको ये समझना है, यही एग्जामिनेशन का सवाल है, यही तो आपको प्रलोभन देता है, इन लगा के देगा वो आपके मन के अकॉर्डिंग चलेगा, और प्रीपोजिशन और मन दोनों में ना 36 के रिलेशनशिप है, आप ऐसे समझें, जहां मन करेगा कि यहाँ प्रीपोजिशन होना चाहिए वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर नो प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। तो चलिए थ्री टाइम्स है ना, थ्री टाइम्स इन ए डे नहीं होगा, केवल हम ऐसे लिखेंगे थ्री टाइम्स ए डे। इसी तरह से एक लीटर में 60 किलोमीटर अगर हमें कहना है तो हम कैसे कहेंगे, 60 किलोमीटर, ठीक है ना, इन ए लीटर नहीं, 60 किलोमीटर ए लीटर, हालांकि आपका इन लगा हुआ वाक्य ज्यादा सही आपको नजर आ रहा है, लेकिन इस तरह के एक्सप्रेशन में इनका प्रयोग नहीं होगा। तो अगर इसे वाक्य बनाना है कि वह एक दिन में 3 बार दवा लेता है, हम कैसे लिखेंगे, ही टेक्स मेडिसिन, ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे थ्री टाइम्स ए डे, इन ए डे नहीं, ठीक है ना, हाँ यही कॉमन एरर का हिस्सा है, ही टेक्स मेडिसिन थ्री टाइम्स ए डे। तो बच्चों आज का बात हमारा इतना ही रहेगा, आप दूसरा वीडियो देखने से पहले एक बार पूरा इसके पार्ट वन देख लें, या पार्ट टू है, ठीक है ना, और इसके बाद आप इसको सीक्वेंस में देखेंगे, आपको पूरी की पूरी बात समझ में आएगी, आगे वीडियो जारी रहेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तुरंत कर लें, इसमें निरंतर आपको वीडियो अपलोड होते हैं, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।